Secretary of State, 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 Secretary of State,
मॉर्निंग। कई बार क्या होता है, इस तरह के जो समारोह होते हैं धीरे धीरे बोरियत आने लगे, पूजा की आवश्यकता। हमारा भागना है आपके पास सिर्फ 1% पर भी मिलते हैं, 1%। तो संसाधनों की कमी नहीं, कमी कहाँ है, जब इसके ऊपर हमारे अमल जी, आलोक जी, मिश्रा जी, राजकुमार जी के साथ चर्चाएं होती रहती हैं, कमी ये समझ में आई। हमारे पास दो ही हाथ है, हमारे हर राज्य में हाथ होते चाहिए, हमारे पास हर राज्य में लेखक होते जो इस बात को समझा पाए। समझाना भी कोई कला है ना साहब, जो हमारे पास नहीं है आपके पास है, जो आप लिख के समझा देते हो, वो कला आपके पास है, ये सरस्वती की कृपा है। तो आप इसका उपयोग करें और हमारी सरकारी समितियों को जो जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताएं। और हमने रिक्वेस्ट की थी मिश्रा जी से कि हर राज्य से हमारे पास कम से कम दो ऑफर है, और मुझे लगता है कि सारे राज्य लगभग कवर हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट भी कवर हो चुका है, केरला भी कवर हो चुका है, केरला मेरा कैडर है, तो मैंने कहा इसको बता दो, जब ये बच्चे होंगे तब हम वहाँ काम कर सकते हैं। कभी हो गए, कई बार ऐसे जाता हूँ तो केरला के लोग मिल जाते हैं, उनके स्कूलों में हमने कभी लेक्चर दिया हुआ बता देते हैं। तो हमारे हर जगह से हमारे पास लोग आए हुए, तो आप उनको वहाँ रखना चाहेंगे। अगर आपकी देखनी से कोई भी एक है, कोई भी एक नया बिजनेस मार्ग, इसके लिए DPR रेडी है, करना कुछ नहीं है, पैक को DPR अडॉप्ट करना है। और पैक्स किसके मेंबर होते हैं, इससे कॉपरेटिव तो वहीं पर दे देते हैं। चैप्टर क्लोज। बाकी उसके हमारे NCPC के लोग यहाँ बैठे हुए, मैं देख रहा था, मास्टर भी बैठे हैं, हमारे सीनियर साहब भी बैठे देखे थे आपने, ये सारे लोग हैं जो फॉलो अप करा के तो भारत सरकार की सब्सिडी है, जो सबवेंशन है वो मिलवा देंगे, DCB से लोन मिल जाएगा, DCB के पास पैसे अगर कम है तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से मिल जाएगा, और अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पास पैसे नहीं है, कम है, तो NABARD से मिल जाएगा। NABARD कितना पैसा देने को तैयार है, एक साल 8 लाख करोड़। समितियों की समस्या नहीं, प्रोजेक्ट की समस्या नहीं, सभी कभी नहीं, वो आपकी लेखनी नहीं थी, वो आज आप पूरी करने का प्रण उठा के जाए, ऐसा मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। इन छोटे शब्दों के साथ आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आई एम मूविंग फॉरवर्ड एंड रिक्वेस्टिंग डॉक्टर गोपाल शर्मा, डायरेक्टर फाइनेंस एनसीपीसी, टू एक्सटेंड वोट ऑफ थैंक्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल। रेस्पेक्टेड श्री गणेश कुमार जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, श्री अलक कुमार सर, Assistant Secretary of Ministry of Corporation, Sri Rajkumar, ADG, Home and Corporation, First Information Bureau, and Sri KK Tripathi sir, OST, Ministry of Corporation, and our Secretary, Sri Paul Kumar sir, and other officials of Ministry of Corporation, and press representatives from press, and their participants. At the outset, I wholeheartedly thank everyone for presenting in this thought-provoking workshop. My sincere and special thanks to Sri Ganesh Kumar, Secretary, Ministry of Cooperation, who is always an inspiration for all of us in the cooperative field. We admire for his innovative and practical approach towards development of cooperatives. After the formation of Ministry of Cooperation, Government of India is coming out with a number of developmental schemes and initiatives. So for the growth of cooperative movement, to mention a few like computerization of tax, water bylaws, and registering 3 new MSCs, etc. So I think you people are all observed that sir, I have also observed your presentation in all the meetings that you speak extempore and justify the need with data for different schemes, particularly for the primaries and the grassroots level. So one such example which I want to share with you. So yesterday, as sir told that so many schemes are and initiatives have done through the Ministry of Cooperation.
So now in Tamil Nadu, two packs have entered India. There is memorandum of understanding. By one pax is having a land and one pax is ready to construct the godown. But the pax which is ready to construct the godown is not having the land. So these another pax, they have entered a MOU for renting the land for 34 years. So at a rent of 2 lakhs per year. So this is a 1,000 tons godown. So that they are going to construct and they have entered an MOU. And this profit making pax is going to deposit 40 lakhs as a margin money. And 1.6 crore they are going to get as a loan from the bank. This has to be repaid. It has to be routed through AIF scheme. So this is the pet project of our secretary, sir. So normally this type of MOUs are not entered earlier. So these are all the new initiatives which has reached the grassroots level. So that is what our sir in his speech also he explained that it has to reach all the people. It has to reach at the ground level by utilizing all the schemes of the government of India as well as in collaboration with the state government. Sir, really, it is a very thought-provoking speech which you have given to our participants. Sir, that probably the experience of working as a managing director, Kerala State Cooperative Bank, where you have formed the base and interest towards the development of the cooperative sector. Sir, we are confident that cooperatives will reach new heights in your tenure. I sincerely thank you from the core of my heart for inaugurating this workshop. Sir, I thank our principal secretary and who is a mentor for NCCT, who is also the chairman for the executive council, for coming over here and for this occasion. So I thank on behalf of NCCT, I thank Mr. Raj Kumar, ADG Global Corporation, PIP, for his informative address in the workshop. And we know that Ministry of Corporation is coming out with a number of schemes for the benefit of development. For the benefit and development of property movement, it has to be properly taken to grassroots level and to the general public. The PIB is doing an AMR service in documenting and taking it to the stakeholders. And SAR has also given his phone number, and hereafter we are going to have a joint collaboration with the PIB, and we will get more information from PIB. That way we can reach better. Then, sir, your address was impressive, and thank you. से हमारा बहुत नाता है, इसको नहीं पता होगा. हमारे जो शामिल है ना, वो छुपरा के आए थे, नहीं आइडिया होगा. हम अगरतला के बाद जाते जी. Thank you.
बायलॉज को पंचायत के मॉडल बायलॉज बनाना और इसकी सबसे बड़ी जो तो स्कीम बनाना अपने आप में बहुत बड़े बड़े बात है। तो इनसे जो हमारा मंत्रालय का मैंडेट है सहकारिता को सशक्त करना, सहकारिता आंदोलन को जमीन करके लेके जाना अपने आप में एक बड़ा ही सशक्त करना। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो ये है कि हमारे 30 करोड़ मेंबर्स तक ये स्कीम हमारे कदम इसकी जानकारी पहुंचे, इसके बारे में उनको पता चले। इसी उद्देश्य के लिए आप सब लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और मुझे पूरी आशा है कि जो हमारे सहयोगी ने आपको बताया होगा, साथियों ने आपको बताया होगा, उसको जानने के बाद में इन सब स्कीम्स के बेनिफिट्स इन स्कीम्स के बारे में आप लोग पूरे देश में प्रचार करते हैं, इसके लिए आपका पूरा हमें सहयोग चाहिए। और मुझे पूरी आशा है कि ये होगा हमारा ऑफिस स्पेशली CRCS का ऑफिस है, उसके बारे में आपको नागर जी ने बताया हम जो मेजर काम कर रहे हैं सारा स्ट्रेटजी का रिपोर्ट अपलोड कर रहे हैं, हम अपना सिस्टम कंप्यूटराइज कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अपना MSCS एक्ट भी अंदर अमेंड किया, ऑलरेडी हमारा बिल पार्लियामेंट के अंदर है, जैसे ही वो बिल पास होता है तो सोसाइटीज़ के अंदर हमारे सोसाइटी उनके अंदर उनकी गवर्नेंस उनके इलेक्शन सब पहले से ज़्यादा सशक्त होंगे ट्रांसपेरेंट। ये सब जो हम कदम ले रहे हैं इससे हमें पूरी आशा है कि देश भर के अंदर सहकारिता की भावना सशक्त होगी और हमारे आंदोलन को भी आगे बढ़ाएगा। आपसे दोबारा मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप दूर दूर से यहाँ पर आए और हमारे मंत्रालय के सारे कदमों को सारे सारे स्टेप्स को हाथ में समझे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। That can be accommodated because today in this world there is a the challenge of online media is everywhere. We can take them on board and highlight the achievements of Cooperative in cooperation with the Ministry of Cooperative. And this has been a wonderful gesture from your part and we hope that can do such training programs and we hope for a better human and better time. मैं इतना घर से हूँ सर, हमारे यहाँ 670 समितियाँ हैं, मैं चाहता हूँ जो केंद्रीय हमारे स्टार साहब हैं उनसे वहाँ पे प्रत्येक जो हमारे इम्पैक्ट्स हैं पूरे देश के। मैं अरुणाचल से होता हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज पहली बार मतलब मैं अरुणाचल की जब बात करते हैं तो अरुणाचल का मैं पहला हिंदी अखबार चलाने वाला हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज से 5 साल पहले क्या होता था कि हमारे लोग जब इसे मंत्रालय में कुछ ऐसे स्कीम्स वगैरह होता था तो वहाँ से मंत्री और MLA आते थे और यहाँ से स्कीम को लेके जाते थे। तो अभी सरकार की तरफ से बहुत अच्छा योजना है कि आज आप ऐसे कार्यक्रम में आपको मतलब आने का मौका मिला तो अभी आप लोगों ने भी जिम्मेदारी दिया कि हमको यहाँ इसको जा करके अपना स्टेज में प्रचार करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे चीज़ों को हम लोग प्रचार करके जो सरकार की योजना है उसको जो है नागरिक तक पहुँचाने के लिए हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे एक हमारा गुजारिश ये है कि इस प्रकार के कार्यक्रम को अगर साल में भी या फिर महीने में ऐसे कार्यक्रम हमेशा अगर रखता है तो मुझे लगता है कि अरुणाचल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग अगर ऐसे आपस में मिल करके किसी भी योजना को अगर हम लोग बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अरुणाचल पूरा हिंदुस्तान जो है बहुत आगे बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में इस प्रकार का कार्यक्रम हमेशा रखेंगे और हमारे से अलग लोगों को भी बुलाकर ऐसे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ग्रुप में आ जाइए। आइए 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 आप आइए।
आइए आप भी आइए जल्दी। कोई आगे आ जाइए, बैठ जाइए, कोई आगे बैठ जाइए, किसी को बिठा, जिनको आगे आना है आगे बिठाइए। हाँ रेडी रेडी, चल चल। हम इस वक्त नई दिल्ली में हैं और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा एक प्रोग्राम, एक इवेंट, एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से, इंडिया की पूरी अलग अलग स्टेट से, हर जगह से मीडिया के लोग और सोशल मीडिया के और जितने इन्फ्लुएंस जितने थे वो सब यहाँ पे आए हैं। उन्होंने इस वर्कशॉप को अटेंड किया है। इस वर्कशॉप का मेन जो था कि जितनी स्कीम्स हैं, जितने इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा, उन सभी स्कीम्स के बारे में और जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उन सभी के लिए जितने वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, उन सभी के बारे में जितने भी यहाँ मीडिया पर्सनैलिटीज़ आए, जितने अलग अलग जो इन्फ्लुएंशियल लोग आए, उन सभी को ये जानकारी दी गई वर्कशॉप के द्वारा। और इस जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है जो 2021 में बनी गई थी, उनके द्वारा जितने ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लिए स्कीम्स हैं, इनको पूरे देश में इस स्कीम्स का प्रचार हो और इस स्कीम्स के बारे में लोग जानें, और जो कोऑपरेटिव सेक्टर है जिसमें 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, उन सभी तक ये स्कीम्स ग्राउंड लेवल तक पहुँचे, अवेयरनेस पहुँचे और स्कीम्स को बारे में, स्कीम्स के बारे में जाना जाए, यही इस वर्कशॉप का जो मेन मकसद था। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम न्यू दिल्ली। ये जो वर्कशॉप हुई है इससे कितना बेनिफिट मिलेगा स्कीम्स को, आप लोग को पूरे इंडिया में ये मैसेज पहुँचा? ये जो हमारी वर्कशॉप है इससे हमें लगता है कि जो हमारे मंत्रालय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की विज़न में, जो माननीय सहकारिता मंत्री जी गाइडेंस में जो कदम लिए हैं, वो हमारे 30 करोड़ सहकारिता के मेंबर तक पहुँच पाएंगे और हमारे सारे कदमों का, पहलों का बहुत अधिक जो यूटिलाइजेशन हो पाएगा और सहकारिता आंदोलन आगे से भी सशक्त बनेगा। धन्यवाद। और कोई भी सर, इसके आपकी मिनिस्ट्री के द्वारा और भी ये जो जितनी स्कीम्स हैं इस कितने तक, मतलब फंडिंग कितनी की गई है बजट में 23 में आप लोग की? नहीं, अगर आपसे ध्यान से देखेंगे तो हमारे सहकारिता के क्षेत्र में हमने खाली अपने ही बजट नहीं, हमने पूरे भारत की जो मंत्रालय, हमारे दूसरे मंत्रालय भी हैं उनकी स्कीम को कन्वर्ज किया है, हमने उनके भी बजट को यूज़ किया है, हमने उसमें कई तरह से फंडिंग की ऑप्शन रखी हैं। तो हमारी स्कीम से सहकारिता क्षेत्र में कई लाख करोड़ रुपये आएगा इससे, तो बहुत बड़े स्तर पर जो है काम होगा। मीडिया के ये जो साथी आए हैं पूरे देश से, ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप उम्मीद करते हैं कि ये पूरे देश में मैसेज पहुंचे? जिस तरह से वर्कशॉप में हमारे मीडिया के साथियों ने, हमारे लेखकों ने, हमारे ऑथर्स ने जो हमको उत्साह दिखाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा मैसेज पूरे देश में हमारे सबसे कार्यकर्ता संस्थाओं को, हमारे मेंबर्स को पहुंचेगा। थैंक यू। वर्कशॉप में कितना एक्सपीरियंस कैसा लगा? नहीं देखिए, वर्कशॉप रखी थी और एक सरकार की जो है कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा लगा और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए क्योंकि इनसे जो है कि जागरूकता आती है। और कोऑपरेटिव एक ऐसा विभाग है जो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी जो है इसमें प्रोग्रेस होगी, इसलिए ये कार्यशाला रखी गई। धन्यवाद। डॉक्टर फल कुमार पवार, पब्लिक एशिया का एडिटर हूँ, मुजफ्फरनगर से। सर कैसा रहा ये, कैसी ये वर्कशॉप में एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव था। एक ऐसा एरिया है जो मीडिया में कम कवरेज पाता है और ये डे लॉन्ग वर्कशॉप की अच्छी तैयारी हुई थी, अच्छे रिसोर्स पर्सन थे, पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन था मीडिया और कम्युनिकेशन के लोगों का, तो कुल मिलाकर एक अल्टरनेटिव हमारे डेवलपमेंट का एक अल्टरनेटिव एक तरह से वो है, एरिया है। जैसे हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं वैसे ही कोऑपरेटिव इंडिया अपने आप में बहुत क्रूशियल और बड़ा ही इम्पोर्टेंस रखता है, तो अगर इस पर एक नेशनल वर्कशॉप हो और गवर्नमेंट भी इसे काफ़ी प्रायोरिटी दे रही है तो ये एक अच्छी बात है कि एक अच्छा एक सिनर्जी बनेगा, एक नेक्सस बनेगा, एक लिंकेज बनेगा कि मीडिया, कोऑपरेटिव और फार्मर्स पैक्स, ये तीनों लोगों का जब गठबंधन होगा तो देश में कोऑपरेटिव के डेवलपमेंट का एक अच्छा माहौल बनेगा। मनोहर मनोज, मैं भी सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, एडिटर हूँ इकोनॉमी इंडिया का, मैं भी ऑथर हूँ और कोऑपरेटिव पे मैंने काफ़ी कवरेज किया है, अपने मैगजीन में कई बार इस पर कवर स्टोरीज भी निकाली है। स्टेट दिल्ली। या आई एम डॉक्टर पतंजलि त्रिपाठी फ्रॉम भुवनेश्वर, आई एम ऑल्सो ए रिसोर्स पर्सन एंड फ्रीलांस जर्नलिस्ट। ये बहुत सारे अति इनपुट्स था कैसे पैक्स को संदन करें और पैक्स को कैसे उसका मल्टीपर्पज पैक्स होगा, तो अभी उनका पैक्स का लिमिटेड एक्टिविटी है, सो ये एक्टिविटी बहुत सारा उसका डाइवर्सिफाई होगा
और आम आदमी को डेफिनेटली पैक को स्ट्रेंथन करेंगे। पैक स्ट्रेंथन होगा, पैक के बिजनेस बढ़ेगा, तो डेफिनेटली जो आम आदमी और जो फार्मर्स है उसकी बेनिफिट में आएंगे। तो ये काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ और हम आगे जाके उसको गांव तक और आम आदमी के अवेयरनेस और सेंसिटाइज करेंगे। डॉक्टर पतंजलि त्रिपाठी फ्रॉम भुवनेश्वर ओडिशा। इससे बेनिफिट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज ये कि ये जो जितना भी अभी 80 स्कीम्स आने वाले हैं थ्रू दी सहकारिता से, तो वो लोगों के तक पहुँचे। जो आम आदमी का भला करना ही सहकारिता मूल उद्देश्य है। द कोऑपरेटिव इज फॉर दी पीपल, इट इज़ ऑफ दी पीपल एंड बाय दी पीपल। सो द बेनिफिट ऑफ दी ग्रासरूट लेवल इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड प्राइम मोटिव ऑफ दी कोऑपरेटिव सेक्टर। सो द ऑल द सर्विस थ्रू दिस 80 स्कीम्स शुड बी गन, शुड बी डिलीवर्ड टू दी ग्रासरूट लेवल, सो दैट द आवर बीपीएल लेवल पीपुल या जो भी लोग अभी अर्थनैतिक से इतना काम नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को सक्षमता मिले, वो लोग इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो, अपग्रेड हो, वो बीपीएल से आप एपीएल तक आए, और उसमें सहकारिता निर्णायक भूमिका रहेगा आने वाले दिनों में। तो उसी बात को आप लोगों से, हमारे मीडिया लोगों से भी बहुत निवेदन है और ये रिक्वेस्ट है, सो दैट द ऑल दिस न्यूज़ व्हाट एवर यू रिसीव्ड टुडे फ्रॉम दिस टुडेज वर्कशॉप, सो काइंडली कॉन्वे ऑल दिस मैसेजेस एट द ग्रासरूट लेवल टू द पीपल ऑफ द कंट्री, सो दैट इट विल बी हेल्प टू डेवलप अस। पर्टिकुलरली आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डिलीवर दिस ऑल न्यूज एंड ऑल मैसेजेस to the people of our North Eastern region, so that our North Eastern region can be developed through the cooperative sector in future ahead. Thank you very much. My name is Sri H.K. Das. I am holding the post of Director in Charge of the Institute of Cooperative Management Guwahati and Institute of Cooperative Management Guwahati. There are total 20 institutes under the National Council for Cooperative Training promoted by the Ministry of Cooperation, Government of India. And out of these 20, one is our national level unit, that is VEMNICOM, Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management, which is in Pune. And another 5 RICM we have, and 14 ICM. Out of 14 ICM, we have 2 ICM in Northeast region, one is in Guwahati, and under our jurisdiction is Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Mizoram, and another unit is in Imphal. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सभी का, और आपने देखा है कि किस तरह से मतलब NCCT और मिनिस्ट्री ने कोलेबोरेट करके ये प्रोग्राम मतलब पूरा सक्सेसफुली मतलब संचालन किया है इसका, और हमने देखा कैसे NCCT और मिनिस्ट्री मतलब पूरे ऑल ओवर पैन इंडिया काम कर रही है और इसको अवेयरनेस कर रही है, लोगों को ग्राउंड लेवल तक बता रही है कि कैसे मिनिस्ट्री और कॉरपोरेशन मंत्रालय किस तरह से काम कर रहे हैं। मैं सर दिल्ली से ही हूँ, नाम अजय। इज अ वंडरफुल अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द NCCT ऑर्गेनाइजिंग दिस नेशनल लेवल वर्कशॉप फॉर डिसमिनेशन ऑफ द Ministry of Cooperation initiatives at a state level, as well as at grassroots level. Definitely we have to appreciate their efforts, and definitely in strengthening of the cooperatives at primary level, definitely this kind of initiatives more advantages and more useful, more beneficial to the former members of the cooperative institutions. Sir, I am Dr. Srinivas. I am a faculty from Institute of Cooperative Management, Hyderabad. Hyderabad, Telangana. Know so much about the movement and the new initiatives taken by the ministry, and the mostly the job generation they are creating. The rural people are getting more opportunity to do on their own. So it's a nice experience. So did you get rural people like and 30 crores people as they say who are working in the corporate sector? Did you get benefit by the media interaction, media will disseminate the information? See, media has very limited access to all the people. Actually, if you have a YouTube channel, you have more access, you are more on your own, you have more liberty to do so much thing.
but as an organization you don't have so much space. So I think the need of the hour is to create more information through many social medias as well, because the mainstream media has limited access. Your name is Shormishtha Rai. I'm from Kolkata. I work in Times of India. कैसे experience आप कश्मीर से आए हैं और कैसे experience है? Cooperative movement is a nice experience because it's related to the grassroots of every state. So it was very nice experience to seeing the cooperative movement, be it in agriculture sector, be it in fisheries. For me, I learned new things. I have been writing on the cooperative society since past 12 years. But learning more about their dimensions, what is their current status, it was really an enthralling experience for me. And I think with 8.5 lakh cooperative societies in India, this is a major thing happening this time. It is going as big as any European country, the number of cooperative societies, 8.5 lakh, not a joke. It has been a wonderful experience. So your name and designation? My self is Ramiz Magdumi. I am a senior content editor in Jung and many other news publications of Jammu and Kashmir. मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आज का जो वर्कशॉप था ये हमारे लिए, हमारा कोऑपरेटिव सहकारी समिति के लिए बहुत अच्छा था और फ्रूटफुल भी था. मुझे यहाँ आके ये फील हुआ कि जो भी मार्जिनलाइज्ड पीपल है, जो भी हमारा अगर किसी को एक करना है और उसको प्रमोट करना है तो सहकारी समिति सबसे उत्तम और क्या बोलता है इसको, सिस्टमैटिक ये समिति है जिसको अनुशासन के तौर से यह आगे बढ़ाता है पब्लिक को. और मुझे ये भी अभी फील हो रहा है कि यहाँ जितना भी आज ये हमें ये स्कीम्स और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का स्कीम्स और ग्रांट्स जो भी ये सब हमें मालूम हुआ, इसको मेरे स्टेट में जाके मुझे हमारा कोऑपरेटर को एडुकेट कराना है और सबको बताना है सहकारी समिति क्या है, सहकारी समिति से कितना, सहकारी समिति में रहने से कितना फ़ायदा है, ये सब बताना है. और सिंस मैं फिल्म से रिलेटेड हूँ, फिल्म से जुड़े हुए हूँ, तो हमारा मार्जिनलाइज्ड आर्टिस्ट जो अभी तक कई आर्टिस्ट तो एक्सप्लॉइट ही है अभी, उन लोगों को एकत्रित करके बाई कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे उन लोगों को प्रमोट करना है, फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट को जो मार्जिनलाइज है उनको कैसे आगे बढ़ाना है, यहाँ से मुझे पता चला. और मेरा नाम है रूपा तामंग, मैं सिक्किम से हूँ. कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्री के जो अलग अलग स्कीम्स है उसके बारे में जानकारी हमें आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मिली, जैसे कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन हो, पैक्स कंप्यूटराइजेशन के बारे में हो और कई सारी जो अलग अलग योजनाएं हैं उसके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी आज इस कार्यक्रम में. मैं पुणे से हूँ और मेरे साथ में श्री एसबी पाटिल जी है और श्री संजीव खड़के जी हैं. मेरा नाम डॉक्टर देवदत्त दिवेकर है, मैं फैकल्टी मेंबर हूँ ICM पुणे में. ये अच्छा इनिशिएटिव है NCCT के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्कीम्स लोगों तक पहुँचना चाहिए, पहुँचाना चाहिए, इसके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. द ओनली वन विच आई हैड सीन, बेसिकली ये सबका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पे होगा, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स की ये स्कीम की जो सक्सेस होना है वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर करता है. तो स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो शुड टेक इनिशिएटिव्स एंड सेंटर शुड कम्युनिकेट वेरी पॉजिटिवली टू द स्टेट्स दैट दे शुड अडॉप्ट ऑल दीज स्कीम्स. और नीचे लोगों तक पहुँचाना ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, तो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ये होगा, ये होना बहुत ज़रूरी है. अभी प्रसार माध्यम या प्रचार माध्यम अपना, हमारा जो प्रसार माध्यम है इसकी वजह से ये लोगों तक पहुँचेगा भी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ये कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होगा, एक जो स्कीम है उसके डिसीजंस कितने फास्ट होंगे,
इस पे इसका सक्सेस पूरा निर्भर होता है। संजीव खड़के, आई एम फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने और एनसीसीटी ने जो प्रोग्राम का आयोजन किया बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत सारी जो स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की उनके बारे में, बहुत सारी स्कीम्स के बारे में भी अच्छी जानकारी मिली, और इतने सारे पूरे कंट्री से पार्टिसिपेंट्स आए, उनका जो एक्सपीरियंस भी शेयर करने को मिला, और यहाँ का जो भी फीडबैक मिला उसका अपने माध्यम से अगर प्रचार प्रसार क्षेत्र किया गया तो ये जो मूवमेंट का जो स्प्रेड है बहुत अच्छा होगा। और मेरा इंडिविजुअल कहना ऐसा है कि भाई हमारी अभी पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ है, उसमें से अभी हम बताते कि भाई हमारे मेंबर 30 करोड़ से, बराबर है, इसका मतलब 110 करोड़ के गैप है। ये गैप जो है वो भर के निकालने के बारे में कोशिश होने की ज़रूरत है। जैसे कि हम महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, महाराष्ट्र की अभी की पॉपुलेशन अगर 12 करोड़ है तो उसमें से करीबन 6 करोड़ हमारे मेंबर्स है, तो और 6 करोड़ उसमें अभी आने हैं, तो उनका इंक्लूजन करने के बारे में कोऑपरेटिव इंक्लूजन इस ढंग की कोई स्कीम लॉन्च होने की ज़रूरत है। और जो जो भी मेंबर्स है, अभी हम भले सोसाइटी की संख्या बढ़ाए लेकिन उसमें जो मेंबर्स है जिसके लिए ये मूवमेंट है उसको एक्टिवेट करने में, उनका पार्टिसिपेशन जब तक नहीं है तब तक वो मूवमेंट वायबल नहीं होगी, तो उनको पार्टिसिपेट करने के बारे में क्या करने की हमें अपॉर्चुनिटी वो हमने अवेल करनी चाहिए। SB पाटिल फ्रॉम पुणे। हम लोग आपके ले लेते हैं। आपका कैसे त्रिपुरा से आके आपका कैसा एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। NCCT और कोऑपरेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव की जो ऑर्गेनाइज किए हैं इस प्रोग्राम में, हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ सीखने को मिला। और हमें अब हमें इतना कुछ मतलब समझ आया कि हमें अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लोगों के पास पहुँचना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो स्कीम ला रहा है, नया नया स्कीम ला रहा है, वो गवर्नमेंट की स्कीम को हम लोगों के सामने लेके जाएंगे तो कोऑपरेटिव की थ्रू ये सब जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो सब हम लोग लोगों के पास ले जाएंगे तो सोसाइटी की और भी डेवलपमेंट होंगे, स्टेट की और भी डेवलपमेंट होंगे, लोगों की इनकम और भी ज़्यादा होंगे। तो स्टेट डेवलपमेंट के लिए, लोगों की सपोर्ट के लिए हमें ये चीज़ करना पड़ेगा। और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और मैं ये भी रिक्वेस्ट रख रहा हूँ कि ये स्टेट लेवल में भी ऐसे ही हो कि इस तरीके से हर पत्रकारों से और लेखक से और जितना भी लोग हैं जो अवेयरनेस करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन से, उन लोगों को कनेक्ट करके इनके पास ये जो गवर्नमेंट स्कीम है इसको पहुंचा देना है, और जो मतलब ये सब पॉलिसी को लोगों के सामने रखने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए भूमिका ले, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेंगे। मेरा नाम सुमन पॉल है, मैं त्रिपुरा से हूँ। अच्छा, आप सुनील जी, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि ये अटेंड करके? बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, क्योंकि सबसे अहम बात ये था कि मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात और जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक लोग आज पहुँचे थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अलग अलग जो मीडिया चैनल से लोग आए, और खास मकसद यही था कि सरकार का जितना भी योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको जो है अपना अपना स्टेट में जो है किस प्रकार से मीडिया को जो है आगे बढ़ाना है, और जो जो बस्ती में लोग रहते हैं उसको कैसे जानकारी देना है, इस विषय पर मतलब कार्यक्रम रखा गया था, वर्कशॉप था, लेकिन बहुत बेहतरीन वर्कशॉप था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमेशा रखा जाना चाहिए, ताकि अलग अलग लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, और तब पता चलेगा कि गवर्नमेंट का स्कीम्स लोगों के लिए क्या है। तो आज इस चीज़ को पता चला, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं तकम सोनिया और मैं अरुणाचल प्रदेश हूँ, और मैं एक अरुण भूमि न्यूज़ चलाता हूँ, पेपर भी है और मेरा डिजिटल पेज भी है। एक्सपीरियंस तो ठीक रहा, इसमें अच्छा था, अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने, लेकिन इसका मॉनिटरिंग का जो इन्होंने पूरा प्रॉपर नहीं बताया कि इसको मॉनिटरिंग कौन करेगा, वहाँ थोड़ा सा डाउट है कि स्कीम तो ठीक है लेकिन आगे गाँव तक पहुँचती नहीं पहुँचती, कुछ पहुँचती हैं तो वो प्रॉपर काम नहीं होता उस पर, फिर वो लोग कहते हैं हमें पता नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले उत्तराखंड में पहले ही देख चुका हूँ, तो वहाँ पे स्कीमें तो चल रही कागज़ों में खाली, तो उस पर जब मॉनिटरिंग हो जाए तो प्रॉपर वो ठीक रहेगा। मेरा नाम जगदीश चंद्र है, मैं चंडीगढ़ से हूँ वैसे, लेकिन मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड में मैंने इसको खुद ही देखा, मैं खुद ही 22 साल से किसी पत्रकारिता में हूँ, तो
मेरा BNC मीडिया चंडीगढ़ के नाम से है। सो इट इज वेंट ऑन वेरी वेल कंसिडरिंग द इमेंस नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर टू ब्रिंग इन टू द लाइट ऑफ द कॉमन मैन अबाउट द achievements of Ministry of Cooperation and the achievements of cooperative sector. The Ministry of Cooperation and NCCT New Delhi have jointly organized this workshop and we hope and believe that the workshop will make value addition to the dissemination process of as an outcome of this workshop. Thank you. Myself Dr. S. Dharmaraj from ICM Madurai, Tamil Nadu. So this workshop is dissemination workshop about these new initiatives and schemes of Government of India, Ministry of Cooperation. It is a well organized and it is a need of the hour. So this will help the cooperatives at the primary level to develop their infrastructure and to function at the grassroots level in this competitive environment. My name is Dr. Gopal Sami, Director of Finance, NCCT. Hello, I am Harjeet Singh from Punjab. Today I attended the workshop on dissemination of government schemes on cooperatives organized by NCCT New Delhi. So it was a highly impressive program for the promotion of cooperatives in the country. So it will instill confidence among the cooperators as well as the media personals who are working and writing continuously on cooperative schemes, and that will generate information amongst the people of the country so that they can benefit from the cooperative schemes of the government from day. Wonderful experience, a great initiative by Ministry of Cooperation. आने वाले टाइम में अगर इसी प्रकार ये लोग अपनी नीतियों को पब्लिक तक पहुंचाते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब Ministry of Cooperation और सोसाइटी बहुत अच्छा राइज करेंगे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो इट डज हैपन। अगर हम आप कभी भी मौका लगे तो जाके देखो, जब किसी ने सोसाइटी रजिस्टर करवानी है तो बंदे को कितनी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। द वे दे आर प्रमोटिंग इट, अगर यही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवाने में जनरल पब्लिक को हेल्प हो तो इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। अतुल शर्मा फ्रॉम चंडीगढ़, मोहाली।